नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी त्रिपाठी कोहा लर्निंग इन हिंदी के अगले वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रिंट पीरियडिकल की शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लॉगिन यहां से सबसे पहले कर लीजिए, अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड है। उसके बाद सबसे पहले हमको जो ऑर्डर करना है प्रिंट पीरियडिकल, उसकी शेड्यूलिंग करनी है। तो यहाँ पे आप सीरियल में क्लिक करें और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है न्यू सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक टेम्पलेट खुल जाएगा यहाँ पे, जिसके कि दो भाग होंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है दो चीज़ें, एक वेंडर और दूसरा रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आप वेंडर को सर्च करेंगे। अगर वेंडर नहीं है, मान लीजिए मैं विकास को ही लेता हूँ, अगर ये वेंडर यहाँ पे है तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर नहीं है तो आपको फिर से एक्विजिशन मॉड्यूल में जाके नया वेंडर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। और यदि आपको नंबर पता है, जितने भी वेंडर आपने बनाए हैं उनका नंबर पता है, तो आप यहाँ पे उसका डायरेक्ट नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सर्च करके जो नाम आपके वेंडर का आपने सेव किया है वेंडर क्रिएट करते समय, उसकी एंट्री करके आप सर्च करके ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड। तो या तो आप, अगर पहले से रिकॉर्ड आपने सेव कर लिया है, बना लिया है, तो आप यहां से सर्च फॉर रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पे नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड क्रिएशन का काम है वो वन टाइम जॉब है, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पे आप, अगर ऑलरेडी आपने क्रिएट किया है तो आप सर्च करेंगे, नहीं तो आप क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए, जैसे ही आप क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मार्क टेम्पलेट, जैसा कि हम बुक में एंट्री करते हैं, उसका टेम्पलेट खुलेगा। इसके चर्चा विस्तृत में हम जब कैटलॉगिंग मॉड्यूल की में का डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे मार्क टेम्पलेट को यूज करना है। तो यहाँ पे जो भी आपकी टाइटिल है उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। ध्यान दीजिए, कुछ फील्ड्स जो होते हैं वो डिफॉल्ट फील्ड होते हैं, उस में जो डेटा आपको केवल क्लिक करना है और डेटा ऑटोमेटिक उसमें क्रिएट होके आता है, जैसे कि 000 लीडर फील्ड, उसके बाद 003, 005, 008 और एक और मैंडेटरी फील्ड है 040 में ट्रांसक्राइबिंग एजेंसी। तो आप यहां पे ट्रांसक्राइबिंग एजेंसी का नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी विकास ही दे दिया। और उसके बाद जो हमारा, इसको आप चाहें तो बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, या फिर जितनी इंफॉर्मेशन आप देना चाहें यहां दे सकते हैं। तो यहां पे हमने टाइटल दे दिया, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितनी डिटेल आपको देनी है आप यहां पे दे सकते हैं, प्लेस, पब्लिकेशन, जितना भी, जैसे कि हम बुक की एंट्री करते हैं। यहां पे आप पूरा डिटेल देने के बाद जब आप सब कुछ भर लेते हैं तो आइटम टाइप आपको यहाँ पे देना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आइटम टाइप क्रिएट नहीं है, इसका मतलब हमने आइटम टाइप क्रिएट नहीं किया था। मान लीजिए कि ये यहाँ पे पीरियडिकल का अगर दिया होता आइटम टाइप, तो हम आइटम टाइप सेलेक्ट करते। और उसके बाद जब आपने आइटम टाइप सेलेक्ट कर लिया पीरियडिकल, तो फाइनली आप यहाँ पे सेव बटन पे सेव कर लेंगे।
जब आप सेव करेंगे तो ये आपको दूसरे स्क्रीन पे आइटम ऐड करने के लिए एक टेम्पलेट खुलेगा। तो यहाँ पे आपको कोई जानकारी आपको नहीं देनी है, आप यहाँ से डायरेक्टली क्विट कर सकते हैं। जब आपने यहाँ से क्विट कर लिया तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आइटम आपने सेव किया इसको इंडेक्स होने में 1 मिनट का समय लगेगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे सर्च फॉर रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे आप डालिए जर्नल ऑफ। जब सर्च करेंगे आप तो आप देखिए आपका जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइज अवेलेबल है, तो इसको हम चूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों चीजों को ऐड कर लिया। नेक्स्ट, क्रिएट एन आइटम रिकॉर्ड व्हेन रिसीविंग दिस सीरियल, हमें ये नहीं करना है क्योंकि हम जो लूज इश्यूज होते हैं उनको एक्सेशन नंबर नहीं देते हैं। लेकिन यदि किसी केस में आपके यहाँ ऐसा प्रोविजन है कि आप रिसीविंग के समय हर एक इशू को कुछ नंबरिंग करते हैं या रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो जब इनवाइस प्रोसेस करते समय आपको आइटम डिटेल दिखाएगा तो वहाँ पे आप उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अदरवाइज डू नॉट क्रिएट एन आइटम रिकॉर्ड व्हेन रिसीविंग दिस सीरियल ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है। फिर यहाँ पे किस लाइब्रेरी के लिए आप ये सब्सक्राइब कर रहे हैं, पब्लिक के लिए नोट क्या होगा जो कि ओपैक पे दिखेगा, नॉन पब्लिक के लिए जो कि ओपैक पे नहीं दिखेगा, और पैट्रॉन को नोटिफाई न्यू सीरियल इशू के बारे में करना चाहते हैं, इसकी लोकेशन क्या होगी तो आपने ऑन डिस्प्ले दे दिया, और यहाँ पे आइटम टाइप चूँकि हमने पीरियडिकल क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे बुक्स ही केवल है, आप पीरियडिकल क्रिएट कर लेंगे पहले ही। ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ, जो अगर इश्यूज नहीं आते हैं तो आप कितना दिन ग्रेस पीरियड देंगे, और उसके बाद ये दोनों ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं या लिमिट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ इश्यूज इस डिस्प्ले हो स्टाफ को कितने इश्यूज और पब्लिक को कितने हो, इसको डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरे जो टेम्पलेट का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम पब्लिकेशन शेड्यूल की जानकारी देते हैं। तो इसका फर्स्ट इशू कब पब्लिश होता है, आपने ये यहाँ जानकारी दे दी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 इशू पर मंथ। सब्सक्रिप्शन का डेट आपका कब से स्टार्ट हुआ, आपने कब से खरीदना शुरू किया और ख़त्म कब होगा, तो हमने ये दे दिया 1 जनवरी से दिसंबर 31st। नंबरिंग पैटर्न, तो वॉल्यूम और नंबर हम देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है कि आप जो नंबरिंग करें बहुत ध्यान से करें और उसको यहाँ पे टेस्ट भी कर लें, नहीं तो आप रिसीविंग के समय सारी गलत जानकारी आपको हमें सेव करेंगे। तो मान लीजिए इसका 32 वॉल्यूम है और 1 से 12 इश्यूज तक आते हैं, तो आपने ऐसे टेस्ट कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया इसको, तो आप देखिए वॉल्यूम 32 के 1 से 12 तक की शेड्यूलिंग हो गई, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, लाइक दैट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शेड्यूल का हमको पैटर्न दिख गया। तो फाइनली हमको सब्सक्रिप्शन पे सेव करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक जर्नल जिसको कि हमें ऑर्डर करना है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसकी हमने शेड्यूलिंग कर ली। इसी प्रकार से जितने भी हमारे सीरियल जो आपकी लिस्ट में हैं जिनको कि ऑर्डर करना है, उनकी हम पहले से ही शेड्यूलिंग कर लेते हैं ऑर्डर करने से पहले। फिर हम अगले स्टेप में उस वेंडर को ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट अपडेट करते हैं, और तीसरे स्टेप में आता है कि जब हमारा पेमेंट वेंडर को चला जाता है तो हम रिसीविंग स्टार्ट करते हैं। तो इन तीनों प्रक्रिया में हमने इस वीडियो में देखा कि हम शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके सुझाव और कमेंट्स आदर आमंत्रित है। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मेल भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।